नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है मोटो एज 40 और हम देखने वाले हैं इस फोन में मिलने वाले सिक्योर फोल्डर फीचर के बारे में। तो सिक्योर फोल्डर को आपको कैसे सेटअप करना है, किस तरीके से आपको उसका यूज करना है, हम देखने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो में। सिक्योर फोल्डर को आप सीक्रेट फोल्डर भी कह सकते हो, क्योंकि जिन ऐप्स को आपको सीक्रेटली यूज करना होता है उन ऐप्स को आप ऐड कर सकते हो सिक्योर फोल्डर में। इसके अलावा आप एक ही ऐप को दो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। प्राइमरी फोल्डर में जो ऐप्स होंगे उनका डाटा अलग रहेगा और जो सिक्योर फोल्डर में ऐप्स होंगे उनका डाटा अलग रहेगा। और सिक्योर फोल्डर को ओपन करने के लिए आप पासवर्ड को भी इनेबल कर सकते हो, मतलब कि आपके अलावा उसे कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो सिक्योर फोल्डर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। यहाँ पे होगा मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स और इसमें होगा लास्ट में सिक्योर फोल्डर, आपको इस पर टैप करना है और करना है कंटिन्यू, नेक्स्ट, नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड। फिंगरप्रिंट को स्कैन कीजिए। इसके बाद आप पैटर्न, पिन या पासवर्ड को यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेट करूंगा पिन को, तो आपको अपना पिन सेट करना है सिक्योर फोल्डर को ओपन करने के लिए। जब भी आप सिक्योर फोल्डर को ओपन करोगे आपको इस पिन को एंटर करना पड़ेगा, कंफर्म कीजिए। तो बाय डिफॉल्ट सिक्योर फोल्डर में एक ऐप को ऐड करके रखा गया पहले से ही, वो है फाइल्स ऐप। और अगर आप इसे देखोगे तो इसमें आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, डाउनलोड, इमेज, वीडियो, ऑडियो 00 शो कर रहा है। लेकिन अगर आप जाओगे प्राइमरी फोल्डर के फाइल्स ऐप में तो आप देखोगे इसमें आपका डेटा शो कर रहा है, मतलब कि दोनों ऐप सेम है लेकिन दोनों में डेटा अलग अलग है। तो आप इस तरीके से एक ही ऐप को दो अलग अलग तरीके से यूज कर पाओगे। तो प्राइमरी फोल्डर में जो भी डेटा है वो सिक्योर फोल्डर के डेटा के साथ ओवरलैप नहीं होगा, और सिक्योर फोल्डर में जो भी डेटा है वो प्राइमरी फोल्डर के डेटा के साथ ओवरलैप नहीं होगा, दोनों का डेटा अलग अलग रहेगा। और सिक्योर फोल्डर को अब आप अपने ऐप ड्रॉअर से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योर फोल्डर, ये रहा, आपको यहाँ से इसे ओपन करना है। तो अगर आपको अपने सिक्योर फोल्डर में किसी भी ऐप को ऐड करना हुआ तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, गोडिट कीजिए। तो आप दो तरीके से सिक्योर फोल्डर में ऐप्स को ऐड कर सकते हो, एक तो एज अ ड्यूल ऐप, मतलब कि प्राइमरी फोल्डर में जो ऐप्स होंगे यहाँ पे शो करेंगे, और आप इसके कॉपी को ऐड कर सकते हो सिक्योर फोल्डर में एक ही ऐप को दो अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, उन ऐप्स को इस तरीके से टिक करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, डन कीजिए, गोट इट। इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का टाइम आउट शो करेगा, आपको सेट करना है 15 सेकंड पे। इसका मतलब क्या होता है, अगर सिक्योर फोल्डर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है तो 15 सेकंड के बाद सिक्योर फोल्डर में पासवर्ड लग जाएगा। आप देखोगे अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है, सिक्योर फोल्डर को, अगर मैं 15 सेकंड के पहले इसे ओपन करूंगा तो बिना पासवर्ड के सिक्योर फोल्डर ओपन हो जाएगा, मतलब कोई भी इसे ओपन कर पाएगा। लेकिन अगर मैं 15 सेकंड का वेट करूं, 15 सेकंड के बाद अगर मैं सिक्योर फोल्डर को ओपन करूंगा तो मुझे एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड, तभी मेरे सिक्योर फोल्डर को मैं ओपन कर पाऊंगा। तो मिनिमम यहाँ पे टाइम आउट दिया गया है 15 सेकंड का, 15 सेकंड तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही सिक्योर फोल्डर में पासवर्ड इनेबल हो जाएगा। तो आप देखोगे अब यहाँ पे पासवर्ड इनेबल हो चुका है। तो ये याद रखना है कि 15 सेकंड के पहले तक अगर कोई भी चाहे तो आपके सिक्योर फोल्डर को ओपन कर सकता है बिना पासवर्ड के। हालांकि अगर आप अपने फोन को लॉक करोगे तो लॉक करने के बाद आपको एंटर करना पड़ेगा पिन, तभी आप सिक्योर फोल्डर को ओपन कर पाओगे। तो ये जो एप्स मैंने ऐड किए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, आपको प्राइमरी फोल्डर में भी देखने मिलेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, मतलब कि अब मैं इन्हें ड्यूल एप्स की तरह यूज कर पाऊंगा, एक ही ऐप को दो अलग अलग तरीके से यूज कर पाऊंगा। सिक्योर फोल्डर में जो फेसबुक है उसका डेटा अलग रहेगा और प्राइमरी फोल्डर में जो फेसबुक है उसका डेटा अलग रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐप को केवल सिक्योर फोल्डर में ही यूज करना चाहते हो तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको किसी ऐप को प्राइमरी फोल्डर में यूज नहीं करना है, आप चाहते हो उसे मैं यूज करूं केवल सिक्योर फोल्डर में, तो आपको उसे ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको प्लस के साइन पर टैप करना है और जाना है ऐड फ्रॉम गूगल प्ले, टैप कीजिए, फिर आपको करना पड़ेगा साइन इन, आपका ईमेल आईडी एंटर करना है, फिर एंटर कीजिए पासवर्ड और कीजिए नेक्स्ट, टर्न ऑन बैकअप, आई एग्री। तो प्ले स्टोर ओपन हो चुका है, अब आप किसी भी ऐप को यहां पे करोगे इंस्टॉल, मतलब कि वो जो ऐप होगा केवल सिक्योर फोल्डर में ही शो करेगा, प्राइमरी फोल्डर में शो नहीं करेगा। और आप देखोगे जब भी आप सिक्योर फोल्डर में होते हो तो ऊपर में यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का आइकन शो करेगा स्टेटस बार में ऊपर में। जैसे कि मुझे डाउनलोड करना है थ्रेड्स को और टेलीग्राम को, तो मैं इन्हें करूंगा इंस्टॉल, ये है थ्रेड्स, इसके बाद मुझे डाउनलोड करना है टेलीग्राम को भी, तो मैं करूंगा टेलीग्राम को भी यहाँ पे इंस्टॉल। तो मैंने थ्रेड्स और टेलीग्राम को कर दिया इंस्टॉल। तो अगर आप देखोगे बैक जाओगे अगर
तो यहाँ पे आपको मिलेंगे थ्रेड्स और टेलीग्राम, और ये जो ऐप्स है केवल सिक्योर फोल्डर में शो करेंगे, प्राइमरी फोल्डर में आपको थ्रेड्स और टेलीग्राम शो नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हो जो ऐप्स मैंने डाउनलोड किए केवल डाउनलोड किए हैं सिक्योर फोल्डर के लिए, तो मैं उन्हें सिक्योर फोल्डर में यूज कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी ऐप को ऐड कर सकते हो सिक्योर फोल्डर में। और हमने जो लॉक का टाइम आउट सेट किया है वो किया है 15 सेकंड के लिए, मतलब कि अगर आप 15 सेकंड के लिए इनएक्टिव होते हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते सिक्योर फोल्डर में, तो आपको इस तरीके से लॉक पूछा जाएगा, फिर आपको अपना पिन एंटर करना है, उसके बाद ही आप उसे यूज कर पाओगे। हालांकि आप इस टाइम आउट को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आपको जाना है यहाँ पे मोर सेटिंग्स में, और ये है सिक्योर फोल्डर टाइम आउट, आपको इसे अपने हिसाब से सेट करना है। अब मैंने यहाँ पे सेट किया हालांकि 15 सेकंड, आप मैक्सिमम सेट कर सकते हो 5 मिनट तक। इसके बाद आगे है नोटिफिकेशन मैनेजर, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस। अगर आप चाहते हो सिक्योर फोल्डर में जो भी ऐप से उनसे अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो ऐप का नेम, आइकन और मैसेज कंटेंट शो करे, तो आपको पहले पे करना है सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो केवल ऐप का नेम और आइकन शो करे, तो आपको करना है दूसरे पे सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो मैसेज अगर आए तो केवल सिक्योर फोल्डर में ही शो करे, प्राइमरी फोल्डर में शो ना करे, तो आपको करना है तीसरे पे सिलेक्शन। अगर आपने लास्ट वाले पे सिलेक्शन किया, मतलब कि जो भी आएंगी नोटिफिकेशन सिक्योर फोल्डर में अगर कोई ऐप होगा तो उसका मैसेज आपको सिक्योर फोल्डर में शो करेगा, प्राइमरी फोल्डर में शो नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो सिक्योर फोल्डर के जो भी मैसेज आए वो प्राइमरी फोल्डर सिक्योर फोल्डर दोनों में शो करे, तो आपको पहले पे करना है सिलेक्शन। लेकिन मैं इसे सेट करूंगा दूसरे पे, क्योंकि अगर कोई भी सिक्योर फोल्डर के ऐप से नोटिफिकेशन आती है तो उसका मैसेज कंटेंट मैं चाहता हूं केवल सिक्योर फोल्डर में ही शो करे। हालांकि ऐप का नेम और जो आइकन है आपको प्राइमरी फोल्डर में शो करेगा, लेकिन सिक्योर फोल्डर जब आप ओपन करोगे तभी आप उसके मैसेज को रीड कर पाओगे। इसके अलावा आगे है मोर सेटिंग्स में एप्स का ऑप्शन, तो जो भी एप्स आपके सिक्योर फोल्डर में अवेलेबल है यहाँ पे शो करेंगे, आप उस पर टैप करके यहाँ पे जो ऐप इन्फो है उस पेज को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आगे है अकाउंट्स, तो जो भी आपने अकाउंट्स को ऐड किया है आपका गूगल का अकाउंट यहाँ पे शो करेगा, आप जो दूसरा गूगल अकाउंट है उसे भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद है डिलीट का ऑप्शन, तो आप अपने सिक्योर फोल्डर को यहाँ से कर सकते हो डिलीट। और फिर अगर आप जाओगे तो पहले ऑप्शन है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, तो अभी ऑन है मतलब कि पासवर्ड आपको देना पड़ेगा ओपन करने के लिए। लेकिन अगर आप इसे ऑफ करोगे तो सिक्योर फोल्डर को ओपन करने के लिए अब आपको पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा, आप बिना पासवर्ड के सिक्योर फोल्डर को ओपन कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर आपको पासवर्ड को इनेबल करना है तो आपको इसे ऑन करना है। फिर आप जो अपने ऐप से प्लस के साइन पर टैप करके या फिर यहाँ पे प्लस के साइन पर टैप करके भी ऐड कर सकते हो, जैसे हमने ऐड किया है। फिर आगे है यहाँ पे डिस्गाइज आइकन्स, मतलब कि आप सिक्योर फोल्डर के आइकन को चेंज कर सकते हो और उसके लेवल को भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको इसे ऑन करना है, कोई भी आइकन आपको सेट करना है और आपको उसका नेम चेंज करना है, सिक्योर फोल्डर का नेम चेंज करिए। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा न्यूज इस तरीके से, फिर आपको इसे करना है सेव। तो आप देखोगे ऐप ड्रॉअर में अब आपको सिक्योर फोल्डर शो नहीं करेगा, आपको शो करेगा न्यूज। हालांकि मैंने इसका आइकन चेंज किया है, इसका नेम चेंज किया है, लेकिन यह है सिक्योर फोल्डर, ताकि किसी को पता ना चले कि सिक्योर फोल्डर है। तो आप इस तरीके से सिक्योर फोल्डर को डिस्गाइज कर सकते हो उसके आइकन को चेंज करके और उसके नेम को चेंज करके। और ये है स्टेल्थ मोड, स्टेल्थ मोड का मतलब होता है अगर आप इसे ऑन करोगे तो अब आपको ये ऐप ड्रॉअर में शो नहीं करेगा, ये हो जाएगा हाइड। आप देखोगे अब यहाँ पे न्यूज या सिक्योर फोल्डर शो नहीं करेगा। अब आपको सिक्योर फोल्डर को एक्सेस करना हुआ तो एक ही तरीका है, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा सिक्योर फोल्डर, आप यही से उसे ओपन कर पाओगे। इसे कहते हैं स्टेल्थ मोड। फिर ये है चेंज लॉक, मतलब कि लॉक स्टाइल और पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन, तो आपको इस पर टैप करना है, अपने पासवर्ड को एंटर करना है, फिर आपको लॉक स्टाइल को चेंज करना है, मैं चाहता हूँ पासवर्ड को सेट करना या फिर पैटर्न को, तो उस पर टैप कीजिए, अपना पैटर्न ड्रॉ कीजिए, कन्फर्म कीजिए फिर से। तो अगर आपको सिक्योर फोल्डर को ओपन करना हुआ तो आपको एंटर करना पड़ेगा आपका पैटर्न जो आपने सेट किया है, और आपको जाना पड़ेगा सेम सेटिंग्स में उसे ओपन करने के लिए, क्योंकि हमने स्टेल्थ मोड को ऑन किया हुआ है। और सिक्योर फोल्डर के किसी भी ऐप को अगर आप ओपन करते हो और अगर आप उसे क्लोज करोगे तो आप देखोगे रिसेंट ऐप्स में भी वो जो ऐप होगा शो करेगा और आप बिना पासवर्ड के उसे ओपन कर पाओगे। जैसे मैंने कहा, जब तक आप अपने फोन को लॉक नहीं करते या जब तक जो टाइम आउट सेट किया आपने वो पूरा नहीं होता, तब तक जो ऐप होंगे सिक्योर फोल्डर के वो लॉक नहीं होंगे। तो बिना ऐप लॉक के या पासवर्ड के आप उसे ओपन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फोन है उसे लॉक किया था। सिक्योर फोल्डर और प्राइमरी फोल्डर दोनों का जो स्टोरेज है एक ही होता है, तो अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करोगे
सिक्योर फोल्डर में भी, तो आपके प्राइमरी फोल्डर में जो स्टोरेज है वही ऑक्यूपाई होगी। हालांकि दोनों का डेटा अलग अलग रहेगा। जैसे मैंने कहा, सिक्योर फोल्डर में आपका जो डेटा है वो प्राइमरी फोल्डर में शो नहीं करेगा, और प्राइमरी फोल्डर में जो डेटा है वो आपके सिक्योर फोल्डर में शो नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से अपने मोटो एज 40 में सिक्योर फोल्डर का यूज कर सकते हो, ड्यूल ऐप के लिए, ऐप को लॉक करने के लिए और ऐप को हाइड करने के लिए। दोस्तों, तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।